हे गाइस, मैं हूं शिखा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं आप सभी का डिमांडिंग कोड सेट का रिव्यू। और थोड़ा मिक्स सा कलेक्शन है, मतलब कोड सेट भी मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पिक किए हैं। आई होप आपको पसंद आएंगे, अच्छे लगे। और पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फर्स्ट पीस जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये है कॉटन कोड सेट। अच्छा लग रहा था फैब्रिक। एक तो इसका बहुत ही सॉफ्ट वाला कॉटन है, एकदम कंफर्टेबल सा है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है। सो इजीली आप इसे ट्राई कर सकते हैं। साइज मैंने इसका लार्ज लिया है क्योंकि जैसे कोट सेट हुआ, टी शर्ट्स हुई, इन सभी में ना वन साइज प्लस पहनती हूँ। मेरा जो ट्रू साइज है वो मीडियम है, बाकी आप अपने साइज के अकॉर्डिंग, लाइक अगर आप फिटिंग में पहनना चाहते हैं तो यूजुअल साइज लें, और थोड़ा बहुत लूज प्रेफर करते हैं तो वन साइज प्लस लें। इसमें आपको काफी सारे डिजाइन मिल जाएंगे, लेकिन मुझे अच्छा लगा। कट स्लीव्स पैटर्न में है, फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल ये है। कुछ इस तरह का इसका लुक आएगा। नेक इसका राउंड है फ्रंट से, बैक नेक भी राउंड है। यहाँ छोटा सा कट और एक वुडन बटन की डिटेलिंग है। कलर एकदम सोबर सा है जो कि समर में पहनकर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर ये बेल्ट मिलेगी जिसे बैक साइड आप टाई अप कर सकते हैं, और इसमें ना छोटी छोटी सी गैदरिंग मिलेगी जिससे कि हल्का सा वो फ्लफी लुक आ जाएगा। और ये इस तरह का है, इसे आप इजीली किसी और जीन्स के साथ भी मिक्स मैच कर सकते हैं, उस तरह से भी ये काफी ज्यादा प्रिटी लगेगा। सो ये तो है इसका टॉप। इसके साथ जो बॉटम आपको मिलेगी हल्का क्रॉप पैटर्न में, मतलब फुल लेंथ में नहीं है, दोनों साइड इलास्टिक है, पूरा ही फ्लोरल प्रिंट है। और कुछ इस तरह का इसका लुक आएगा। जैसे कि मैं बता चुकी क्रॉप पैंट है तो आपको दिखने में क्लियर हो जाएगा, लेंथ इसकी बहुत ज्यादा नहीं है, विड्थ इसकी एकदम परफेक्ट है। सो बढ़िया सा ये पीस है, मैं रिकमेंड करती हूँ क्योंकि मुझे कंफर्टेबल भी लगा और अच्छा भी लगा। नेक्स्ट कोट सेट, अगेन एक और प्यारा सा पीस, दिखने से ज्यादा पहनकर अच्छा लगा और पहनकर कंफर्टेबल भी था। फैब्रिक इसका खादी कॉटन टच में है और ये बॉटम और ब्लेजर काइंड ऑफ है। इसके अंदर आप अपना कोई भी व्हाइट या फिर ब्लैक कलर का टॉप मिक्स मैच कर सकते हैं। मेरे पास फिलहाल के साइज का ऐसा नहीं था तो मैंने अपनी टी शर्ट इसके अंदर पहनी। बाकी टी शर्ट से ज्यादा ना जो फिटेड टॉप आते हैं ना उनके साथ ही अच्छा लगेगा, क्रॉप टॉप के साथ। बाकी ये आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसका ब्लेजर आपको दिखाने वाली हूँ। कलर इसका पैरेट ग्रीन है, कोट कॉलर के लुक में है। यहाँ पर आपको जो मिलेगा ना ये ऑर्गेंजा सिल्क फैब्रिक है, और ये कोई गोटा पट्टी का काम नहीं है, मतलब सेल्फ में ही जो होता है ना कुछ उस तरह का है, अंदर की तरफ आएगा और इस तरह से कॉलर टर्न हो जाएगा जो आपको दिखने से क्लियर हो जाएगा। साइज मैंने इसका एल लिया है, ब्रांड है इसका जीमा लेटो, और ये आप देखें इसका डिजाइन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है यार, पहनकर अच्छा लग रहा था। कुछ ब्लेजर और बॉटम में ढूंढ रहे हैं रीजनेबल रेंज में तो इसे आप ट्राई कर सकते हो। फुल स्लीव्स के पैटर्न में है, एग्जैक्ट लुक इसका आपको ट्राई ऑन में ही क्लियर होगा। इसके साथ सेम कलर सेम फैब्रिक की बॉटम मिलेगी, एकदम गफ सी बॉटम है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। फ्रंट में बेल्ट है, बैक साइड इलास्टिक है, दोनों साइड मिलेगी आपको डीप पॉकेट, अच्छी सी विड्थ की है, बहुत ज्यादा लंबी भी नहीं है लेकिन एंकल लेंथ भी नहीं है, एग्जैक्ट लुक आपको साइड में क्लियर हो जाएगा। सो अच्छी सी ये बॉटम है, मैं इसको रिकमेंड करती हूँ। मुझे ये पीस ना कुछ डिफरेंट और कंफर्टेबल लग रहा था पहनकर, और रेंज वाइज भी अच्छा है। बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और प्राइस डिटेल मैंने सभी के साथ मेंशन कर दी है। नेक्स्ट पीस जो है ये थोड़ा ओके है, मतलब इसका ना जो कैटलॉग इमेज थी उसमें तो काफी अच्छा लग रहा था, बाकी मुझे ठीक ठाक लगा। इसका जो फैब्रिक है वो है क्रेप, और क्रेप में भी ना मतलब बहुत ही नॉर्मल सा फैब्रिक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा फैब्रिक है। डेली में पहनने के लिए चाहे तो ले सकते हैं, बट बाहर पहनकर जाने के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। इसका जो साइज मैंने लिया है वो है एल, और ब्रांड है इसका फैश फन। नेक इसका वी है फ्रंट से भी और बैक से भी। ये आप देखो लार्ज में ना बहुत ज्यादा ढीला ढाला सा था, मुझे वैसे भी थोड़ा सा कम पसंद आया। कुछ इस तरह का ये बॉटम से आएगा फुल स्लीव के पैटर्न में, यहाँ पर ये टाई अप हो जाएगा। दिखने से आई थिंक इसका डिजाइन और लुक आपको क्लियर हो गया होगा, और एग्जैक्ट लुक इसका आपको ट्राय ऑन में पता चल जाएगा। इसके साथ पैरअप में जो बॉटम आएगी इसकी लेंथ अच्छी है, फैब्रिक वही क्रेप है, दोनों साइड इसमें इलास्टिक है। घर में पहनने के लिए चाहे तो ले सकते हो, बाहर पहनकर जाने के लायक तो ये नहीं है, और इसमें आपको डीप पॉकेट भी मिलेगी। लेंथ अच्छी है, विड्थ अच्छी है, सो ये है इसका एग्जैक्ट लुक। ट्रांसपेरेंट एज सच नहीं है, और पॉकेट इसके दोनों साइड है। ये था मेरा आज का थर्ड पीस। नेक्स्ट पीस जो है ये है एक अनारकली ड्रेस, ब्रांड है इसका इंडो एरा, साइज मैंने इसका मीडियम लिया है। इसका फैब्रिक है रेयन, स्टफ इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा है। नेक इसका राउंड है फ्रंट से भी और बैक से भी। योक पर आपको एकदम ब्यूटीफुल सी फॉल्स मिरर और रेशम थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी मिलेगी। पास से आप इसका लुक देखिए,
इसमें ना आपको फ्रंट और बैक साइड गैदरिंग मिलेगी, लेयर्ड पैटर्न में है, जैसे जैसे लेयरिंग बढ़ेगी गैदरिंग बढ़ेगी। सो ऑल इन ऑल पहनकर अच्छा लगा। बॉटम में कुछ इस तरह की लेस मिलेगी, जैसे वो किरोशी वाला थ्रेड होता है ना, कुछ उस तरह की थ्रेड वाली लेस आई थिंक दिखने से क्लियर हो जाएगी। बाकी अच्छा है, फैब्रिक अच्छा है, कलर बहुत ही लाइट सा और डिसेंट सा कलर है, डिजाइन इसका काफी अच्छा मुझे लगा। सो ये था फ्रंट लुक, ये है बैक लुक। 3/4 इसकी स्लीव्स आएंगी, बेल स्लीव्स के पैटर्न में है, यहाँ पर भी आपको ये बॉर्डर मिलेगा। मेरी तरफ से इस पीस के लिए भी थम्स अप है, और पहनकर सच में कंफर्टेबल था, अच्छा लग रहा था। सो चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रोडक्ट की तरफ। इसको पता है मैंने बहुत मन से खरीदा था। सबसे पहले यार इसकी कैटलॉग इमेज देखो, मतलब देख कर ही ना इतनी अच्छी फील आई थी। मैंने सोचा कि अगर सेम टू सेम मुझे रिसीव होगा ना, तो रक्षाबंधन पे मैं इसी पीस को पहनूंगी। लेकिन 1899 का मैंने इसको ऑर्डर किया, उसके अकॉर्डिंग मुझे ये बहुत ज्यादा प्राइसी लगा। ये आप देखो, ये एक पठानी कुर्ता सेट है, मतलब जैसे होता है ना, दिखने में चीज वही है लेकिन क्वालिटी में डिफरेंस है। कॉलर वाला इसका नेक है, और इस रेंज में तो मैं नहीं इसको रिकमेंड करूंगी। पूरे ही फ्रंट में इसके बटन आएंगे, सारे ही बटन जो हैं इसके ओपनेबल हैं। सो कुछ इस तरह का इसका लुक आएगा। डिजाइन वजाइन बस ठीक है, 1899 में तो न जाने कितना बढ़िया पीस आएगा। साइज मैंने इसका मीडियम लिया है। सो ये है इसका फ्रंट लुक, ये है इसका बैक लुक। 3/4 इसकी स्लीव्स आएंगी, एग्जैक्ट लुक आपको ट्रायल में क्लियर हो जाएगा। फैब्रिक इसका थोड़ा क्रेप टच में ही है, कुछ डिफरेंट फैब्रिक नहीं, क्रेप टच में ही इसका फैब्रिक है। इसके साथ बॉटम में जो आपको सलवार मिलेगी, पठानी सलवार ये है, दोनों साइड इसमें इलास्टिक है, सेम फैब्रिक है, सेम डिजाइन है। यहाँ पर आकर के आपको प्लेट्स वाली डिटेलिंग मिलेगी, सही से आपको ट्राय ऑन में क्लियर हो जाएगा। और पता है, इसी तरह का सेम पीस जब मैंने इसको खरीद लिया था ना, मतलब ऑर्डर कर दिया था, उसके बाद एक दो दिन बाद मैंने देखा कि मुझे इसी तरह का एक और पीस कम रेंज में दिख रहा था, वो भी मैंने ऑर्डर किया है। जैसे ही मुझे मिल जाता है तो कंपेरिजन तो मैं जरूर दिखाऊंगी कि यार 1899 और 999 दोनों एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। सो बस आज के लिए यही था मेरा कलेक्शन, और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सभी का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पसंद आए तो वहां से आप इनकी शॉपिंग कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।